देखिए दोस्तों, जो रोटी बच जाता है हम लोग फेंक देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो रोटी बच जाए, अगर आपको खाने का दिल नहीं है, तो उसको आप तोड़ के पंखे के नीचे किसी एक कोने में रख दीजिए, वो अपना सूख जाएगा, आस्ते आस्ते हवा लगते रहेगा सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा तो आप किसी चीज़ में, बर्तन में या डब्बा में या कोई भी बर्तन में रख के आप फ्रिज में रख दीजिए। जब दिल करे आप इसको तेल में फ्राई करिए तो पापड़ी बन जाएगा। या तो आपने रोटी बना है, आपको पापड़ी की ज़रूरत है, भेल वगैरह बनाना है, कुछ करना है तो पापड़ी की ज़रूरत है, तो आप रोटी तेल तोड़िए और तेल में डाल दीजिए, देखिए पापड़ी बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए, हमने तेल गरम कर लिए हैं और अब हम इसमें इसको डालेंगे। देखिए ये डालेंगे और इसको उलट उलट के हम फ्राई कर लेंगे, तो बिल्कुल मस्त बन जाएगा वो। और इसको मीडियम आंच में फ्राई करना है, फास्ट नहीं करना है, फास्ट करेंगे तो जल जाएगा, तो मीडियम आंच में फ्राई करेंगे तो मस्त बन जाएगा वो। देखिए कैसे कैसे लाल लाल हो गए ना वो, तुरंत अभी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, झटपट बनाने वाला रेसिपी है। इसको हम घर में भेल वगैरह कभी बनाते हैं या हम चाट वगैरह बनाते हैं तो हमको पापड़ी की ज़रूरत पड़ता है, तो इसको हमको अलग से मेहनत नहीं करने पड़ेगा। देखिए इसी तरह से अभी हम सब बनाते बना के बता रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा पापड़ी बन चुका है। देखिए ये देखिए कैसे, देखिए चूर हो रहा है, देखिए एकदम मस्त पापड़ी बन चुका है।